दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए, आज कल हमने आपका व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसे आप संज्ञा नाम से जानते हैं। तो संज्ञा में कुछ चीज़ें हमने आपको कल कंप्लीट कराई थी। आई होप आपको समझ में आई होंगी। यस, तो आगे उसी संज्ञा में आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे, आगे चलते हैं। ठीक, देखिए, संज्ञा में कल हमने आपको बताया था व्यक्तिवाचक संज्ञा, कल बताया। उसके बाद जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा आपको बताई थी। उसके बाद तीसरी आपकी जो है वो भाववाचक संज्ञा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये दो मैं आपको बता चुका हूँ, मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा भी बता चुका हूँ, मैं जातिवाचक संज्ञा भी बता चुका हूँ। आज आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपकी भाववाचक संज्ञा है। कौन सी है? भाववाचक संज्ञा को बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा को आप लोग देखेंगे। ठीक, देखिए, तो तीसरे नंबर की संज्ञा है ये आपकी भाववाचक संज्ञा। कौन सी? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ठीक है, कि इसकी परिभाषा हम बना लेंगे भाववाचक संज्ञा की। क्या बनाएंगे इसकी परिभाषा? जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, भाव तथा अवस्था का बोध हो, उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, भाव तथा अवस्था का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। अब देखिए, एक पहचान भी मैं बताने वाला हूँ कि आखिर भाववाची संज्ञा को आप किस तरह से पहचान पाएंगे। तो देखिए, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि भाववाचक जो संज्ञा होती है वो आपकी काल्पनिक होती है, वो उसका काल्पनिक रूप है। कैसी है? काल्पनिक रूप। ठीक है, मतलब ये जो है ये दृश्य नहीं होती है। ये कैसी होती है? इसको आप कह सकते हो ये अदृश्य है। कैसी है? ये आपकी अदृश्य है, ये दृश्य रूप नहीं है, ये आपकी अदृश्य है, ये दृश्य रूप नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए इसे काल्पनिक रूप कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा काल्पनिक रूप है, अदृश्य है।
यह एक वचन होती है। कैसी होती है? एक वचन होती है, एक वचन होती है, यह एक वचन होती है, यह बहुवचन नहीं होती, ये भी ध्यान रखना है। भाववाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन होती हैं, ठीक है। यह बहुवचन बहुवचन नहीं होगी, बहुवचन नहीं होगी, यह बहुवचन नहीं होगी। यदि हुई, ध्यान रखो ये बात भी ध्यान रखो, यह बहुवचन नहीं होगी। यदि हुई तो यह जातिवाचक संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी या बन जाएगी, संज्ञा बन जाएगी, तो यह जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, काल्पनिक रूप होगा, जो भाववाचक संज्ञा होती है वो काल्पनिक रूप में होती है, वो वास्तविक रूप में नहीं होती है, काल्पनिक रूप में होती है, अदृश्य रूप में होती है, हमें दिखाई नहीं देती, इस बात को समझेंगे। ये एक वचन होती है, जो भी आपकी भाववाचक संज्ञा है ध्यान रखेंगे दोस्तों, वो एक वचन होती है, वो बहुवचन नहीं होती। लिखा गया है यह बहुवचन नहीं होगी। यदि हुई, ये भी देखो, यदि हुई तो यह जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। पहले तो दोस्तों देखो, यदि भाववाचक संज्ञा होती है उसका हम एक वचन से बहुवचन नहीं बनाते, लेकिन रेयर केस यदि उसका एक वचन से बहुवचन बनाया गया है तो ध्यान रखिए वो आपकी भाववाचक संज्ञा होगी ही नहीं, वो चली जाएगी आपकी किसमें? जातिवाचक संज्ञा में चली जाएगी, क्योंकि भाववाचक जो संज्ञाएँ होती हैं वो कभी बहुवचन नहीं होती। इसलिए यदि वो बहुवचन बनाई जा रही है तो आप लोग ध्यान रखो वो आपकी जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी, भाववाचक संज्ञा नहीं होगी, है ना। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे मैं कहूँ, जैसे मैं एक शब्द ले रहा हूँ, है ना, जैसे मैं कहूँ देखो मिठाई, जैसे मैंने कहा मिठाई, तो ये तो आपका जो मिठाई है ये आपका, पहले तो यही बताइए मिठाई कौन सी संज्ञा है। तो मिठाई तो तुम जानते हो क्या काल्पनिक रूप है, क्या आप मिठाई को छू नहीं सकते, मिठाई को देख नहीं सकते, तो ये तो भाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मिठाई हम लोग नोट नहीं करेंगे, ठीक है, मिठाई हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी जातिवाचक संज्ञा है, ये आपकी भाववाचक संज्ञा में नहीं आएगी, ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं नोट करेंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने कहा चढ़ाई, मान लो ये हम कहते हैं, जैसे हमने कहा चढ़ाई, तो चढ़ाई जो है ये हमारी भाववाचक संज्ञा है, चढ़ाई कौन सी, चढ़ाई भाववाचक संज्ञा। अब इसका ये आपकी, अभी तो आपकी कौन सी संज्ञा है, ये आपकी भाववाचक है, कौन सी है, भाववाचक संज्ञा है ये आपकी, भाववाचक संज्ञा चढ़ाई। लेकिन जैसे ही आप चढ़ाई का कर देते हो, क्या आप कर देते हो चढ़ाइयाँ, क्या कर देते हो आप चढ़ाइयाँ कर देते हो, तो ये आपकी चली जाती है कौन सी, ये तुरंत आपकी जातिवाचक संज्ञा चली जाती है, कौन सी चली जाती है, जातिवाचक संज्ञा चली जाती है। इस बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना है जैसे ही आपका भाववाचक संज्ञा, यदि आप बहुवचन बनाते हो तो फिर वो भाववाचक नहीं रहती, तुरंत जातिवाचक संज्ञा चली जाती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे आपने शब्द लिया मिलावट, मिलावट है ना, आपने शब्द लिया मिलावट, मिलावट आपकी जो है ये भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, कौन सी है, भाववाचक संज्ञा है। आपने मिलावट का कर दिया मिलावटें, क्या कर दिया, मिलावटें कर दिया, तो भाई साहब ये मिलावटें जो है ये हो जाएगा आपका कौन सा,
जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये आपकी जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी, बन जाएगी कि नहीं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि कभी भी ऐसा हो, यदि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए तो वो तुरंत जातिवाचक संज्ञा हो जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, अच्छा, अब देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा में कौन कौन से शब्द जो हैं वो हमारे भाववाचक संज्ञा के होंगे, कौन कौन से शब्द होंगे जो हमारे भाववाचक संज्ञा के हैं। ठीक है, तो शब्द देख लेते हैं, भाववाचक संज्ञा में कौन कौन से शब्द आते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे हम कहते हैं भाववाचक, इसको हमने कहा भाववाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञाएं। ठीक, तो देखते हैं हमारी भाववाचक संज्ञाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा प्रेम, हमने कहा घृणा, हमने कहा ईर्ष्या, हमने कहा द्वेष। ठीक है, यदि हम कुछ गुण ले लें, जैसे हमने कहा बहादुरी, क्या हमने कहा बहादुरी, बहादुरी, हमने कहा ईमानदारी, ईमानदारी, हमने कहा बेईमानी, बेईमानी, है ना, देखते जाइए आप फटाफट। हमने कहा बचपन, हमने कहा लड़कपन, हमने कहा बुढ़ापा, बुढ़ापा, है ना दोस्तों, हमने कहा जवानी, हमने कहा युवावस्था, अवस्थाएं भी कहा था, हमने कहा युवावस्था, युवावस्था, हमने कहा किशोरावस्था, किशोरावस्था, है ना, यस, हमने कहा मित्रता, हमने कहा शत्रुता, हमने कहा मूर्खता, हमने कहा क्रूरता। देख रहे हो, सभी तरह के, हर तरह के शब्द आपको बता रहे हैं। ठीक है, हमने कहा सुस्ती, सुस्ती, हमने कहा फुर्ती, है ना, यस, हमने कहा घबराहट, घबराहट, हमने कहा सुग बुगाहट, सुग बुगाहट, है ना, हमने कहा गर्माहट, हमने कहा सजावट, हमने कहा बनावट, हमने कहा मिलावट, मिलावट, हमने कहा राम से बनाया, हमने कहा रामत्व, हमने कहा शिवत्व, हमने कहा रावणत्व, है ना, इस तरह की संज्ञाएं आप देख पा रहे हो। ये सारी जो संज्ञाएं मैंने लिखी हैं सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। कौन सी संज्ञाएं हैं? ये सभी आपकी भाववाचक संज्ञाएं हैं। यस, देखो, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, बहादुरी, ईमानदारी, बेईमानी, बचपन, लड़कपन, बढ़ापा, जवानी, युवावस्था, किशोरावस्था, मित्रता, शत्रुता, मूर्खता, क्रूरता, सुस्ती, फुर्ती, घबराहट, सुखबुगाहट, गर्माहट, सजावट, बनावट, मिलावट,
रामत्व, शिवत्व और रावणत्व, ये सभी संज्ञाएं आपकी कैसी हैं? भाववाचक संज्ञाएं हैं। क्या ये जो हमने इनकी पहचान बताई है उस पे ये क्या खरी उतरती हैं? क्या ये खरी उतर रही उस बात पे? तो देखिए, पहले मैंने कहा भाववाचक संज्ञा ये वो संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो आप जिसका वास्तविक रूप नहीं होता, मतलब जिसका कोई दृश्य रूप नहीं है। बताओ, प्रेम जो है, प्रेम को देखा जा सकता है, प्रेम को हाथ में तुम ले सकते हो, प्रेम को आप बाज़ार से खरीद के ला सकते हो, नहीं लाया जा सकता। जो चीज़ बाज़ार से खरीद के नहीं लाई जा सकती, मैंने बताया था जो दृश्य रूप नहीं है, वो आपकी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। क्या घृणा को आप घृणा को हाथ में रख सकते हो? क्या घृणा को बाजार से खरीद के ला सकते हो? है नहीं, नहीं ला सकते, है ना। इसका मतलब ये आपकी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। बहादुरी को, ईमानदारी को, बेईमानी को, क्या इसको खरीदा जा सकता है? नहीं खरीदा जा सकता। क्या इसको दृश्य रूप है, इसका कोई वास्तविक रूप है? नहीं, इसका भाई साहब काल्पनिक रूप है। बचपन को, लड़कपन को क्या खरीद के ला सकते हो? नहीं ला सकते भाई साहब, नहीं ला सकते, बिल्कुल नहीं ला सकते। खरीद कर हम बिल्कुल नहीं ला सकते। क्या इसे हम बचपन, लड़कपन कोई ऐसी है जिसको हाथ में पकड़ सके? नहीं, बिल्कुल दृश्य रूप है ही नहीं। जो चीज़ दृश्य रूप होती हैं वो उनको हम हाथ में भी पकड़ लेते हैं ना, तो ये भी नहीं है। बुढ़ापा, जवानी अवस्थाएँ हैं ये आपकी, किशोरावस्था, मित्रता, शत्रुता, मूर्खता, इनको भी बाजार से खरीदा नहीं जा सकता, इनको भी बाजार से खरीदा नहीं जा सकता, और ना ही ये दृश्य रूप है, ना ही इन्हें हाथ में पकड़ के आप देख सकते हो। सुस्ती, फुर्ती और घबराहट, ये भी दृश्य रूप नहीं है, अदृश्य रूप है, ये काल्पनिक रूप है। सुगबुगाहट, गर्माहट, सजावट, बनावट, मिलावट, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं रामत्व, शिवत्व और रावणत्व, सारी आपकी भाववाचक संज्ञाएं हैं। सारी आपकी कौन सी संज्ञाएं हैं? ये सब आपकी भाववाचक संज्ञाएं हैं, है ना। इसमें और यदि आप जोड़ना चाहें तो आप ये भी जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं आप? देखिए, आप जोड़ सकते हैं ये, जैसे बुराई, आप बुराई जोड़ सकते हैं, आप अच्छाई, अच्छाई जोड़ सकते हैं, आप पढ़ाई जोड़ सकते हैं, पढ़ाई, आप लिखाई जोड़ सकते हैं, लिखाई, है ना, ये चीज़ें भी जोड़ सकते हो। ये बुराई, अच्छाई, पढ़ाई, लिखाई, ये भी आपकी, ना आप पढ़ाई को बाजार से ला सकते हो, ना पढ़ाई का आपका कोई आकार होता है, ना उसे हाथ में पकड़ सकते हो, है ना। तो ये सब आपकी भाववाचक संज्ञाएं, इनका आप बहुवचन क्या बना सकते हो? प्रेम का बहुवचन, घृणा का, ईर्ष्या का, द्वेष का, बहादुरी का, इनका हम बहुवचन भी नहीं बना सकते। यदि किसी का रेयर केस बहुवचन बनाया जाता है तो वो आपकी जो है वो जाती है, कौन सी संज्ञा? वो आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाती है जिसका बनाया जाता है, तो वो आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा आपकी नहीं रहेगी, ठीक है। अच्छा, तो हम आगे ये कह सकते हैं, यदि हम जनरल व्यू लें तो जनरल व्यू में हम ये कह सकते हैं, क्या देखो कि जिन संज्ञाओं के अंत में, क्या कहें, जिन संज्ञाओं के अंत में, ठीक है, अंत में क्या लगा हो, जिन संज्ञाओं के अंत में लगा हो, पन लगा हो, ता लगा हो, वट लगा हो, हट लगा हो, क्या लगा हो, हट लगा हो, हट लगा हो, ई लगा हो, तो लगा हो, क्या लगा हो, तो लगा हो, तो लगा हो, ठीक है, वह आपकी कौन सी होगी? वह आपकी भाववाचक संज्ञा होगी। कौन सी? भाववाचक संज्ञा है, है ना। यदि किसी संज्ञा के अंत में पन लगा है, ता लगा है, वट लगा है, हट लगा है, ई लगा है और
लगा है, तो वो सारी आपकी जो संज्ञाएं हैं वो ध्यान रखिए, वो आपकी भाववाचक संज्ञाएं ही होंगी। कौन सी संज्ञाएं होंगी? वो आपकी भाववाचक संज्ञाएं होंगी। मुझे लगता है कि आप अब भाववाचक संज्ञा में कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं पैदा करेंगे, ठीक है? कभी कोई कन्फ्यूज़न आपको पैदा नहीं होगा। अच्छा, एक संज्ञा ये आप देख लीजिए, इसमें बच्चे अधिकतर कन्फ्यूज रहते हैं। कौन सी? जैसे हमने ये आपको लिखी, ये मिठाई है ना, क्या मिठाई, ये लिखी संज्ञा, ठीक। हमने अब यहाँ पे लिखा यदि संज्ञा के अंत में क्या हो, ई हो, तो वो आपकी कौन सी संज्ञा होगी? वो आपकी भाववाचक संज्ञा होगी। लेकिन जैसे आपका बुराई, अच्छाई, पढ़ाई और लिखाई, बुराई और अच्छाई, पढ़ाई और लिखाई जो होती है वो दृश्य रूप नहीं है, उसको आप हाथ में नहीं पकड़ सकते, उसका वास्तविक रूप नहीं है, है ना, क्या वास्तविक रूप नहीं है। जबकि यहाँ पर ये संज्ञा देखो, इसमें ई लगी हुई है, जैसे मिठाई, मिठाई को हम पकड़ भी सकते हैं, मिठाई को हम देख भी सकते हैं, मिठाई को हम छू भी सकते हैं, छू सकते हैं कि नहीं, तो मिठाई फिर हमारी कौन सी संज्ञा हुई? तो मिठाई जो है, अब मिठाई, मिठाई की तरह से तो बहुत सारी मिठाइयाँ होती हैं, है ना, बर्फ़ी होते हैं, है ना, बर्फ़ी होती है, गुलाब जामुन होते हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ होती हैं, तो मिठाई के अंतर्गत जलेबी भी आती है, हैं, गुलाब जामुन भी आता है ना, छेना भी आता है, तो ये आपकी जो है ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। जबकि मिठाई जो है, ध्यान रखना दोस्तों, ये आपकी जातिवाचक संज्ञा में आएगा। ये किस में आएगा? ये आपकी जातिवाचक संज्ञा में आएगा। तो मिठाई के लिए आप ध्यान रखना, ये आपकी जातिवाचक संज्ञा है मिठाई, भाववाचक संज्ञा नहीं है। और ये सारी आपकी संज्ञाएँ जो हैं वो कौन सी हैं? भाववाचक संज्ञाएँ। तो इनमें आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, ठीक। ठीक, तो तीन संज्ञाएं आपकी हो गई, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट लेके चलते हैं अगली संज्ञा की ओर। अगली संज्ञा आपकी कौन सी है? अगली संज्ञा है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी? चौथी होगी ना, हाँ, कौन सी है? द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। अब बात आती है द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, तो हम कह सकते हैं जिस शब्द से इसकी परिभाषा बना ले, तो इसकी हम लोग परिभाषा बना ले रहे हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या बनाएंगे हम लोग, देखते हैं। जिस परिभाषा इसकी बना ले, है ना, तो देखो, जिस शब्द से, जिस शब्द से किसी द्रव्य, जिस शब्द से किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है, द्रव्य या धातु, ठीक है, का बोध होता है, का बोध होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे द्रव्य या इसी को, द्रव्य को ही हम द्रव्य या पदार्थ, कौन सी? द्रव्य या पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। ये देखो, तो जिस शब्द से किसी द्रव्य या धातु का बोध हो उसे हम द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। तो द्रव्य या धातु का बोध जिससे हो जाए उसे हम कहते हैं क्या? पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। इसमें पदार्थवाचक संज्ञा में इसमें तीन चीज़ें आती हैं। देखिए, कौन कौन सी तीन चीज़ें आती हैं?
तीन चीज़ों में पहली जो चीज़ है वो आती है ठोस। क्या आती है? ठोस। दूसरी जो चीज़ है वो आता है आपका द्रव। क्या आता है? द्रव। और तीसरी जो चीज़ है वो आती है आपकी गैस। कौन सी आती है? गैस आती है। तीसरी जो चीज़ है वो गैस है आपकी, ठीक है। अच्छा, ठोस, ठोस में देखो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, है ना? ठोस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? ठोस में सारी धातुएं आती हैं। जैसे आपने लिया सोना, आपने लिया चांदी, आपने लिया तांबा, आपने लिया पीतल, आपने लिया लोहा, एल्यूमिनियम, है ना, आपने लिया एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है। मान लो आपने ले लिया चीनी, है ना, ये आपने जो ये ठोस चीज़ें हैं। तो जो भी हमारी धातुएं होती हैं और ठोस चीज़ें होती हैं वो इसके अंतर्गत आ जाती हैं, ठोस के अंतर्गत, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी है? द्रववाचक संज्ञा। कौन सी है? द्रववाचक संज्ञा है, क्योंकि द्रववाचक में द्रव और पदार्थ, चाहे वो आपके खनिज पदार्थ हों, चाहे वो आपके खाद्य पदार्थ हों, किसी भी प्रकार के पदार्थ हों, सारे पदार्थ आपके इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। ये आपका द्रव और ये आपका द्रव्य, ठीक है। ये द्रव और द्रव में अंतर समझ लो। ये आपका जो द्रव है, ये द्रव का मतलब होता है कि कोई मटेरियल। क्या होता है? कोई मटेरियल। मटेरियल का मतलब समझ रहे हो? पदार्थ। और ये जो द्रव है आपका, ये द्रव का मतलब, द्रव का मतलब होता है कोई तरल, लिक्विड। क्या होता है? लिक्विड। लिक्विड का मतलब कोई तरल चीज़ जो है, यदि कोई तरल चीज़ है वो द्रव है, ये द्रव है। और यदि कोई द्रव है तो वो मटेरियल है, उसे आप कहेंगे क्या? उसे आप पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पदार्थ। तो पदार्थ है ना, समझ रहे हो? तो द्रव जो है वो पदार्थ है, और द्रव का मतलब कोई लिक्विड चीज़, तरल जो होती है वो द्रव होती है। तो ये आपका द्रव है, ठीक है। तो द्रव में जो तरल चीज़ें होती हैं, तरल चीज़ें कौन सी हैं? जैसे आपने कहा पानी है भैया, तेल है द्रव में है, घी है आपने कहा भैया, दूध है, दूध भी है ना तरल है आपने कहा, दही है ना आपने कहा, मट्ठा है ना, ये आपने कहा मट्ठा है, आपने कहा, कोई भैया कह रहा है कि डीजल है, हाँ भाई डीजल भी है, कोई भैया कह रहा पेट्रोल नहीं लिखोगे सर जी, अरे भाई पेट्रोल भी लिखेंगे, पेट्रोल क्यों नहीं लिखेंगे, ये भी आपका तरल है। कोई कहला है ना, ये जितने भी आपकी लिक्विड फॉर्म में होते हैं सब द्रव हैं। गैस में तो गैस, कोई भी गैस, जैसे आपकी ऑक्सीजन है ना, आपकी कौन सी है? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है आपकी है ना, तथा कार्बन डाइऑक्साइड है, कौन सी? हाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी आपकी जो है ये आपकी क्या हो जाती हैं? ये गैस हो जाती हैं। तो ध्यान रखिए, द्रववाचक जो संज्ञाएं होंगी उनमें ठोस, द्रव और गैसें, ये सारी चीज़ें आपकी रखी जाती हैं। इन्हें हम कहते हैं क्या? इन्हें हम कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जिनके लिए आप नोट ध्यान रखिए, ये उनके लिए एक मैं नोट लगाए दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कौन सा है? जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जिन्हें गिना नहीं जा सकता,
जिन्हें गिना नहीं जा सकता, ये सब आपकी कौन सी हैं? ये आपकी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, इनको गिना नहीं जा सकता, ये काउंटेबल फॉर्म में नहीं रहेंगी, इन्हें आप काउंट नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये ऐसी जो संज्ञाएं हैं इन्हें कहते क्या, इन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगली संज्ञा की तरफ चलते हैं। अब हमारी कौन सी संज्ञा है? अब है हमारी समूहवाचक संज्ञा, पांचवी संज्ञा है हमारी कौन सी? समूहवाचक संज्ञा, समूह वाचक संज्ञा, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा है ना। यदि इसकी हम परिभाषा बनाएं, यदि इसकी हम क्या बनाएं, यदि परिभाषा बनाएं, तो इसकी हम लोग परिभाषा क्या बनाएंगे इसकी, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो। भाई क्या समूह का, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, ध्यान रखना समूह का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होगा, उसे हम कहेंगे क्या, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। इसके यदि हम पॉइंट बनाएं इसका, तो ये कह सकते हैं, है ना, क्या जो इसे कह सकते हैं, जो समूह में हो, समूहवाचक संज्ञा वही होगा जो समूह में हो, जो समूह में हो वो समूहवाचक संज्ञा होगा। या दूसरा हम लिख सकते हैं, जिसे गिना भी जा सके, जिसे भाई आप गिन भी सके, ऐसी कोई बात नहीं, यदि गिनने वाली बात आए तो उसे आप गिन भी सकते हैं, तो जिसे गिना भी जा सके, जो समूह में हो, वो आपकी होगी कौन सी, वो समूहवाचक संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी? वो आपकी समूहवाचक संज्ञा होगी, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखते हैं इसके उदाहरण हम लोग कर लेते हैं कि समूहवाचक संज्ञाएं जो होंगी वो हमारी कौन कौन सी संज्ञाएं होंगी, समूहवाचक संज्ञाएं, ठीक है। देखते हैं समूहवाचक संज्ञाएं में समूह की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो कक्षा होता है, क्या कक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे होते हैं, बहुत सारे, तो जो कक्षा होती है वो विद्यार्थियों का क्या होता है, उसमें समूह होता है, तो कक्षा भी हमारा क्या है, समूहवाचक संज्ञा। कोई हमारा भाई कह रहा है क्या टीम लिख दो सर जी, तो बिल्कुल टीम लिख सकते हो, जैसे आप अपनी क्रिकेट टीम को ले लो, तो क्रिकेट टीम में हमारी कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं, इसका मतलब टीम है वो खिलाड़ियों का क्या है, समूह ही तो है। यदि हम गिनना चाहें कितने खिलाड़ी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हम गिन सकते हैं कि नहीं, तो गिना भी जा सकता, हमने ये भी कहा जिसे गिना भी जा सके। इनके अंदर जो भी व्यक्ति या वस्तु है उनको आप काउंट भी कर सकते हैं, जो समूह में हो तो समूह में भी है, कक्षा विद्यार्थियों का समूह होता है उसमें, और ये आपका टीम खिलाड़ियों के समूह को हम लोग टीम बोल देते हैं, यस। तो ये कक्षा है, टीम है, जैसे आपका दल है, जैसे आपका संघ है किसी का, जैसे आपका मंडल है, जैसे आपका गुच्छा है किसी चीज़ का, मान लीजिए कि आपके पास चाबियों का गुच्छा है,
चिपकाएगा, आपके पास चाबियों का गुच्छा है, इसका मतलब है कि उसमें बहुत सारी चाबियां हैं, क्या आप उन चाबियों को गिन सकते हैं? तो आप कहोगे यस सर, मैं उन चाबियों को गिन सकता हूँ। इसका मतलब वो समूह में है, तो गुच्छे में है चाबियाँ, तो इसका मतलब गुच्छा जो है वो आपका समूहवाचक संज्ञा है। आप कहोगे सर झुंड, हाँ झुंड भी है। आप कहोगे सर परिवार, बिल्कुल परिवार, परिवार के लिए कम से कम लोगों की संख्या कितनी होनी चाहिए? दो। दो से एक व्यक्ति का कभी कोई परिवार नहीं होता, परिवार के लिए कम से कम दो लोगों का होना आवश्यक होता है, तो आप परिवार भी कह सकते हैं, है ना? आप खानदान भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं खानदान, आप गिरोह भी कह सकते हैं, है ना, गिरोह भी कह सकते हैं, आप गैंग भी कह सकते हैं, हाँ सर आप गैंग भी कह सकते हैं, गैंग कोई दिक्कत नहीं है, है ना, गैंग भी हो जाएगा। आप भीड़ भी कह सकते हैं, यस भीड़ भी कह सकते हैं। आप ढेर भी कह सकते हैं किसी चीज़ का, मान लो पुस्तकों का ढेर लगा हुआ है तो आप उसे ढेर भी कह सकते हैं। आप पुंज भी कह सकते हैं, यस आप पुंज भी कह सकते हैं, है ना। ये तो ये सारे जो वर्ड हैं आप देख रहे हो, इनमें सभी में व्यक्ति या वस्तु का समूह होगा। जहाँ व्यक्तियों या वस्तुओं का क्या होता है, समूह होता है, उसे हम लोग कह देते हैं क्या, आप सभा कह सकते हो, यस सर आप सभा भी कह सकते हो। आप समिति कह सकते हो, यस सर आप समिति भी कह सकते हो। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, यस समझ गए होंगे कि जो समूहवाचक संज्ञा होती है या जिसे आप समुदायवाचक संज्ञा के नाम से भी जानते हो, उसमें व्यक्तियों या वस्तुओं का क्या होता है, समूह होता है, और उसमें जो भी व्यक्ति या वस्तु होते हैं उन्हें यदि आप गिनना चाहें तो आप उनको गिन भी सकते हैं, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, उसको गिना भी जा सकता है, जो समूह में हो उन्हें गिन भी सकते हो। तो ये सारी आपकी कौन सी हैं, ये सब आपकी समूहवाचक संज्ञाएं हैं। कौन सी संज्ञाएं हैं ये आपकी समूहवाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब ये आपकी जो है, ये आपकी सभी संज्ञाएं जो हैं वो कंप्लीट होती हैं, ठीक है। ये आपकी पांचों संज्ञाएं मैंने बता दी। मैंने पहली बताई व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा, तीसरी भाववाचक संज्ञा, और चौथी आपकी बताई द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवी आपकी बताई कौन सी, समूहवाचक संज्ञा। पांचों संज्ञाएं आपकी मैंने कंप्लीट कर दी। अच्छा आगे देखिए, अब मैं क्या बताना चाहता हूँ उस बात को भी आप लोग समझेंगे, ठीक है। देखिए आगे, अब मैं थोड़ा भाववाचक संज्ञा की बात करूंगा। ये जो आपकी भाववाचक संज्ञाएं हैं इनकी मैं बात करूंगा कि भाववाचक संज्ञाएं आप कितने प्रकार से बना सकते हो, ठीक। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाववाचक जो संज्ञाएं होती हैं उन्हें आप कितने प्रकार से बना सकते हो, भाववाचक संज्ञाएं कितने प्रकार से बनाई जाती हैं। तो देखिए, भाववाचक संज्ञाएं पांच प्रकार से बनाई जाती हैं। कितने, ध्यान रखना, कितने, पांच प्रकार से बनाई जाती हैं। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञाएं कितने प्रकार से, पांच प्रकार से बनाई जाती हैं। हम कहें नंबर एक कहें, दो तीन चार पाँच, कितने कितने प्रकार से बनाई जाती हैं, तो देखो पांच प्रकार से। पहला आपका संज्ञा से बना सकते हो, दूसरा आप सर्वनाम से, भाववाचक संज्ञा, तीसरा आप विशेषण से बना सकते हो, विशेषण से भाववाचक संज्ञा,
चौथा आप क्रिया से बना सकते हो, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बन सकता है। चौथा आपका अव्यय, कौन सा अव्यय, अव्यय से भी आप भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हो। ये पांच प्रकार से आप भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं, ठीक है। संज्ञा में यदि हम बात करें तो संज्ञा में दो प्रकार से बनाई जाती हैं। कौन कौन से प्रकार से? व्यक्तिवाचक, कौन व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा से, किससे? व्यक्तिवाचक संज्ञा से। और दूसरा आपका जातिवाचक संज्ञा से, किससे? जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा से। संज्ञाओं में आप दो प्रकार से आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा से आप बना सकते हो, और आप किससे बना सकते हो? भाववाचक संज्ञा से आप बना सकते हैं, ठीक है। मान लो पहले आप बनाते हैं किससे? पहले आप व्यक्तिवाचक संज्ञा से मान लो बनाते हैं, क्या बनाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, ठीक है। किससे बनाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, ठीक है। चलो लो ये डाल देते हैं, ठीक है। पहली हेडिंग डाल देते हैं, कौन सी? पहली वाली हेडिंग, व्यक्ति वाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो ध्यान रखें, व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्या बनाएंगे हम? भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में जैसे आपने एक शब्द ले लिया, जैसे आपने ले लिया राम, ठीक। अब राम का आप, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, किसी खास व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो राम से बनाएंगे क्या? आप रामत्व बना देंगे। जैसे आपने लिखा रावण, तो आप रावण से आप बना देंगे क्या? रावणत्व बना देंगे। क्या बना देंगे? रावणत्व बना देंगे आप, ठीक है। ये है ना, जैसे आपने लिखा, मान लो ईश्वर लिखा, ईश्वर भी मैंने आपको कल बताया था, ईश्वर जो है एक होता है, और जो दुनिया में अकेला होता है वो हमेशा कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, बताया था। तो ईश्वर का आप ऐश्वर बना देंगे, क्या? ऐश्वर्य बना देंगे, ईश्वर का ऐश्वर्य हो जाएगा, ठीक है। ईश्वर का क्या हो जाएगा? ऐश्वर्य हो जाएगा आपका। यदि आप भारत से बनाना चाहें, भारत से, तो आप भारतीयता बना सकते हैं, क्या? भारतीयता, ये भी आप बना सकते हैं, भारतीयता है ना, क्या बना सकते हैं? भारतीयता। यदि आप नारद से बनाना चाहें, नारद से, तो आप नारदी बना सकते हैं, क्या? नारदी बना सकते हैं। आप हिटलर से बनाना चाहें, आप हिटलर से बनाना चाहें, हिटलर से, तो आप हिटलर शाही बना सकते हैं, क्या? हिटलर शाही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आप हिटलर शाही बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं? तो ध्यान रखिए, आप व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्या बना सकते हैं? भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से बनाई जाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, आप अभी पढ़ के आए हो, है ना। तो ये अच्छा देखो, जातिवाचक संज्ञा से बनाएंगे हम, किससे बनाएंगे? जातिवाचक संज्ञा से। दूसरा है ना, इसी का पॉइंट है दूसरा, तो इसको ऐसे करके लिखेंगे, पॉइंट बना के, हैं ऐसे, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। आप लोग कंसंट्रेट रहेंगे, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होंगे,
है ना, मार्केट में ये सब तो चलता रहता है, डोंट वरी बी हैप्पी, ओके, ध्यान देंगे आप, कंसंट्रेट रहेंगे, ठीक। चलो देखो, जातिवाचक संज्ञा से क्या बनाना है आपको, भाववाचक संज्ञा बनाना है, ठीक है। जैसे आपने ले लिया माता, ले लिया आपने कौन सा माता, तो आपने माता का आपने बना दिया मातृत्व, क्या बनाया। आपने पिता ले लिया तो पिता से आपने बना दिया क्या, आपने पितृत्व बना दिया, क्या बना दिया, आपने पितृत्व बना दिया, ठीक है। इधर आपने कलाकार ले लिया, क्या, कलाकार, ठीक है, आपने कलाकार, कलाकार का आपने बना दिया कलाकारी, क्या बना दिया आपने, कलाकारी बना दिया। प्रतिनिधि ले लिया आपने, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि से आपने बना दिया क्या, प्रतिनिधित्व, क्या बनाया, प्रतिनिधित्व बना दिया। ये कलाकार आप जानते हो, कलाकार तो बहुत सारे होते हैं, तो आपकी जातिवाचक संज्ञा है ना। दुनिया में माता पिता भी बहुत हैं, तो वो भी आपकी कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा। प्रतिनिधि भी बहुत हैं, है ना, वो भी आपकी कौन सी संज्ञा है, वो आपकी, हाँ, यस, ठीक है। जैसे आप बच्चा से बनाएं, बच्चा आपका, बच्चा भी दुनिया में बहुत सारे हैं, बच्चा से आप बना देते हो बचपन, क्या बना देते हो, बचपन। आप जैसे लड़का से बनाएं, तो लड़का से आप बना देते हो क्या, लड़कपन, क्या बना देते हो, लड़कपन बना देते हो, तो ये आपका लड़कपन हो जाता है। तो ये आपकी जो है, ये कहीं ना कहीं जातिवाचक संज्ञा से इन्हें तुम बना सकते हो। देखो, पुरुष से बनाना चाहो तो पुरुष से आप बोल सकते हो क्या, पुरुषत्व, क्या बोल सकते हो, पुरुषत्व। आप नारी से बनाना चाहो, नारी से आप बनाना चाहो तो नारीत्व बना सकते हो, क्या, ये नारीत्व बना सकते हो, है ना। गुरु से बनाना चाहो तो आप गुरुत्व बना सकते हो, क्या, गुरुत्व बना सकते हो, ये गुरुत्व, ठीक है, बना सकते हो कि नहीं। तो ये सारी आपकी जातिवाचक संज्ञा से आप बनाएंगे क्या, भाववाचक संज्ञा आप बनाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, बच्चा से बचपन बनता है, और ध्यान रखना है लड़का से आपका क्या बनता है, लड़कपन बनता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, ओके, यस। अगला देखो, अगला कौन सा है आपका, किससे आप बनाएंगे, अब आप सर्वनाम से बनाएंगे, किससे बनाएंगे, आप सर्वनाम से बनाएंगे, सर्वनाम से, ये दूसरा नंबर था, सर्वनाम से, सर्वनाम से भाववाचक, ठीक है, संज्ञा बनाना। अभी सर्वनाम मैंने आपको पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन इतनी तो आपको जानकारी है ही, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा, सर्वनाम से भाववाचक, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो सर्वनाम से देख लेते हैं, जैसे आपका सर्वनाम दिया है मम, ठीक है, तो मम से बनाएंगे, मम से बनेगा ममता भी बन जाएगा, और ममत्व भी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ममत्व भी बन जाएगा, ठीक है। जैसे आप निज बनाएंगे, तो निज से आपका निजता भी बनेगा, निजता, और आपका निजत्व भी बनेगा, क्या बनेगा, निजत्व भी बनेगा। जैसे आप अपना से बनाएंगे, तो अपना से अपनापन, अपनापन बनेगा, और आपका अपनत्व भी बनेगा, क्या बनेगा, अपनत्व भी बनेगा, अपनत्व, ठीक, ये। अपनत्व भी बनेगा, आपसे बनाएंगे तो आपसे आपा बन जाएगा, क्या हो जाएगा, आपसे आपा बन जाएगा, ओके, ये आपके। अहम से यदि आप बनाएंगे, अहम से, तो आपका अहंकार बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अहंकार बन जाएगा, है ना, ये,
तो ये आपके जो है ये सर्वनाम से भी आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सर्वनाम से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। ये ओके। अच्छा तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा कौन सा है, और किससे बनाओगे मेरे दोस्तों? और हम बनाएंगे, आप कह रहे हैं हम बनाएंगे सर्वनाम विशेषण से, किससे बनाएंगे? पांच तरीके से बनता है ना, विशेषण से, विशेषण से भाव वाचक संज्ञा, किससे? विशेषण से भाववाचक संज्ञा आप विशेषण से बनाएंगे, ठीक। देखो अब विशेषण नोट करने, विशेषण के बारे में भी आप जानते हैं, है ना। जैसे आपने कहा अच्छा, ये आपका विशेषण है ना। आपने कहा सर बुरा, ये भी आपका विशेषण है। तो अच्छा से आपने बनाई सर अच्छाई, बुरा से आपने बनाया सर बुराई, क्या बनाए? बुराई बना दिया, ठीक है। जैसे आपने कहा सर लंबा, तो लंबा से आपने बनाया सर लंबाई, लंबाई। सर आपने कहा मोटा, तो सर मोटा से आपने बनाया क्या? मोटाई। आपने कहा सर चौड़ा, तो चौड़ा से आपने बनाया क्या? आपने बनाई चौड़ाई। क्या बनाई आपने? चौड़ाई बनाई है। ये सभी आपके क्या हैं? ये सब आपके विशेषण ही तो हैं, तो इनसे आप बना सकते हो, है ना। आपने सर कहा बहादुर, मान लो आपने कहा बहादुर, तो ये भी तो गुण ही तो है। बहादुर से आपने बनाया, तो आपने कहा दिया सर बहादुरी, बहादुरी। आपने कहा सर ईमानदार, ईमानदार, ईमानदार से आपने बनाया क्या? ईमानदारी। क्या बना दी? ईमानदारी। तो देखिए आपने ये सब जो आपने ये बनाई हुई हैं, ये सब आपकी भाववाचक संज्ञाएं हैं। कहीं ना कहीं मैंने भाववाचक संज्ञाएं में इनको नोट कराया होगा, बताया होगा इनके बारे में, इस तरह से होती हैं। तो ये आपके विशेषण हैं, विशेषण से भी आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आप किससे बनाएंगे देखते हैं। आप क्रिया से बना लेंगे, किससे बनाएंगे? क्रिया से, ठीक है। चौथा नंबर है ये, क्रिया से, क्रिया से भाववाचक संज्ञा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा, किसे? क्रिया से बनाएंगे भाववाचक संज्ञा। क्रियाएं तो आप लोग जानते हो ना, अच्छे से आप लोग जानते हो क्रियाओं के बारे में। आप जानते हो लिखना, पढ़ना, सोना, खाना, पीना, नहाना, धोना, जागना, है ना। ये क्रियाएं तो होती हैं, तो क्रियाओं से भी आप भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अच्छा जैसे आपने मान लो एक क्रिया लिखी, लिखना, लिखना क्रिया है ना, लिखना से आपकी हो गई कौन सी? लिखाई। लिखना से लिखाई। आपने कहा सर पढ़ना, तो पढ़ना से आपने, पढ़ना क्रिया है, तो आपने बना दिया सर पढ़ाई, बना दी। आपने कहा सर हारना, हारना, तो हारना से आपने कहा सर हमारी हार हो गई। आपने कहा सर मारना, तो मारना से आप मार हो गई। आपने कहा सर जीतना, जीतना भी क्रिया है, क्रिया की पहचान ये है कि उसके अंत में हमेशा ना आता है, वो आपकी क्रिया है, तो जीतना से आपका क्या बन गया? जीत बन गया। आपने कहा सर हड़पना, हड़पना, तो हड़पना से, है ना, हड़पना से हड़प बन गया। आपने कोई चीज़ जो है वो क्या कर ली? हड़प ली, तो हड़प हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हड़पना जो है वो आपकी क्या है? क्रिया है। तो क्रियाओं से ये चीज़ें आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पांचवा आपका पॉइंट बनता है कौन सा? पांचवा पॉइंट देखो, पांचवा आपका है ये, इसे नोट कर दो, पांचवा आपका है अव्यय से, किससे?
अव्यय से भाववाचक, भाववाचक संज्ञा किससे बनाएंगे दोस्तों? अव्यय से भाववाचक संज्ञा, है ना। आगे अव्यय हम पढ़ाएंगे, तो अव्यय से आप भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। किससे बनाएंगे? अव्यय से आप भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। बनाएंगे कि नहीं? अव्यय से बना लेंगे। जैसे कुछ अव्यय शब्द मैं लिख रहा हूँ, जैसे आप मना लिखेंगे, मना, मना से बन जाता है मनाही, क्या? मनाही बन जाता है, ठीक है, ये मना से मनाही। जैसे आपने लिखा शीघ्र, लिखा तो शीघ्र का आपका बन जाता है जैसे शीघ्रता, क्या बन जाता है? शीघ्रता। जैसे आपने कहा दूर, दूर तो दूर से आपका बन जाता है क्या? दूरी। आपने कहा सर निकट, निकट तो निकट से बन जाता है क्या? निकटता, क्या बन जाता है? आपका निकटता बन जाता है। नियर होता है निकट से, क्या बन जाता है? निकटता, है ना। आपने कहा सर शाबाश, आपने कहा सर शाबाश, शाबाश से बन जाता है शाबाशी, क्या बन जाता है? ये आपका शाबाशी बन जाता है, शाबाश से शाबाशी हम लोग बना देते हैं। तो ये आपके जो है अव्यय से आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हो, इनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आगे हम, खैर अभी तो संज्ञा चैप्टर था हमारा, आगे आपको पढ़ने को सर्वनाम भी मिलेगा, क्रिया भी मिलेगा, विशेषण भी मिलेगा, अव्यय भी मिलेगा। सारे चैप्टर्स जिनके बारे में हमने ये बात की है, ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने को मिलेंगे अच्छे से, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। अब एक बार आप ये देख लीजिए कि एक बार जो मैंने ये संज्ञा पढ़ाई है, जो आपकी दो क्लास में संज्ञा पूरी होने वाली है, इस संज्ञा को मैं एक, है ना, एक नज़र में इसको मैं रिवीज करवा दूं, आपको इसका रिवीजन करवा दूं, तो एकदम आपको याद रहेगी इस संज्ञा, ठीक है। तो देखते हैं संज्ञाएं मैंने कितने प्रकार की आपको बताई हैं। आप कहते हो भैया संज्ञाएं मैंने पाँच प्रकार की बताई। पहली मैंने आपको बताई है व्यक्तिवाचक, कौन सी? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा बताई, ठीक। यस, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहें तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वो कैसी है, कैसी होगी आपकी? ये आपकी विशेष होगी। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं वही संज्ञाएं होती हैं जो अपने आप में कैसी होती हैं, विशेष होती हैं, जो अपने आप में विशेष होती हैं, वास्तविक होती हैं। कैसी होती हैं? वास्तविक होती हैं, मैंने बताया था। ये दृश्य रूप होती हैं, वास्तविक होती हैं। प्लस मैंने ये बताया ये हमेशा एक वचन होती हैं। कैसी होती हैं ये? ये ध्यान रखो, एक वचन होती हैं। कैसी? एक वचन। और ये भी आप जानते हो, दुनिया में अकेली, दुनिया में कैसी होती हैं? ये मैंने बताया था, दुनिया में अकेली होती हैं, दुनिया में अकेली होती हैं। ये आपकी पहचान जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेष हो गया, वास्तविक होगी, दृश्य रूप होता है, एक वचन होती है हमेशा, और दुनिया में अकेली होती है, उसको आप कह सकते हो कि ये आपकी कौन सी है? ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा आपका जो पॉइंट है, दूसरा, वो आपकी जातिवाचक संज्ञा। कौन सा बेटा? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? ये विशेष नहीं होती है, क्योंकि इसके जैसे तो बहुत सारे होते हैं, तो ये आपकी जो है ये साधारण होती है। ये कौन सी होती है? ये साधारण होती है। ये वास्तविक, वास्तविक ये भी होती है, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो दृश्य रूप होती है, तो वास्तविक ये भी होती है। अब ये जो व्यक्तिवाचक है वो एक वचन होती है, और ये ध्यान रखो दोस्तों, ये हमेशा बहुवचन होती है। कौन सी होती है? बहुवचन होती है ये। ये कैसी होती है? ये ध्यान रखो, ये हमेशा बहुवचन होती है। और दुनिया में क्या अकेली होती? नहीं, इसके समान, इसके जैसी, इसके जैसी, इसके जैसी कई कई और होती हैं,
कई और होती हैं, आप ये भी जानते हो, इसके जैसी कई और होती हैं। आप जानते हो हमने बताया था जातिवाचक संज्ञाएं एक से ज़्यादा होती हैं, तो इसके जैसे कई और होती हैं, बहुवचन होती है। ठीक है, तीसरा आपका, तीसरी संज्ञा आपकी कौन सी है देखेंगे। तीसरी संज्ञा है आपकी भाववाचक संज्ञा। कौन सी है? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, यस, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की क्या हमने आपको क्या तरीका बताया था? देखिए, भाववाचक संज्ञा में आपका ये विशेष साधारण, इधर वास्तविक, तो इधर ये होगी आपकी कैसी, ये काल्पनिक होगी, क्योंकि हमने बताया था ये अदृश्य रूप होती है। भाववाचक संज्ञा हमेशा अदृश्य रूप होती है, दृश्य रूप नहीं होती है। ठीक है, तो काल्पनिक होती है। प्लस हमेशा हमने बताया था एक वचन होती है। कैसी होती है? एक वचन होती है हमेशा। ये कैसी होती है? ये हमेशा एक वचन होती है ना। और जिसे आप, हमने बताया था, जिसे आप बाजार से, बताया था, बाजार से खरीद कर नहीं ला सकते, खरीद कर नहीं ला सकते। ये भी मैंने आपको बताया था, बाजार से आप खरीद कर नहीं ला सकते। ये बदल गया कलर, कोई बात नहीं, खरीद कर नहीं ला सकते। तो काल्पनिक होगी, एक वचन होगी, और जिसे आप बाजार से खरीद कर नहीं ला सकते वो आपकी कौन सी होगी? वो आपकी भाववाचक संज्ञा होगी। चौथी आपकी संज्ञा देखिए कौन सी है। चौथी आपकी संज्ञा है द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी? द्रव्यवाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा। ठीक, द्रव्यवाचक संज्ञा में मैंने आपको बताया था इसमें तीन चीज़ें होती हैं। मैंने कहा, इधर बताए दे रहे हैं, मैंने कहा इसमें ठोस, द्रव, बताया था ठोस, सॉरी द्रव और गैस, तीन चीज़ें होती हैं, है ना। इसमें एक समूह हो, जिसमें, बताया था, जिसमें एक समूह हो, क्या हो? एक समूह हो, है ना, जिसे गिना जा सके, जिसे गिन भी सके, गिन भी, सॉरी, ये समूह कहाँ, द्रव्यवाचक चल रही है ना, सॉरी, ये आपका ठीक है, ये आपकी जो है, ये द्रव्यवाचक में ठोस, द्रव और गैस के बारे में बताया था। ठीक है, आपकी 5 नंबर की है समूहवाचक संज्ञा। कौन सी? समूहवाचक संज्ञा, इसके बारे में बताया था, समूहवाचक संज्ञा के बारे में बताया था कि इसमें, जिसमें एक समूह हो है ये, प्लस जिसे गिन भी सकें, ठीक, वो आपकी कौन सी होगी? समूहवाचक संज्ञाएं, है ना। तो हमने आपको ये बराबर आपको बताया, ठीक है, ओके। तो ये आपकी संज्ञाएं जो है, यदि आप इतना भी
यदि आप इतना भी याद रखते हैं, ये बातें जो मैंने बताई, यदि आप इतना भी याद रखते हैं तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये संज्ञा आपकी कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है कि समूहवाचक है कि द्रव्यवाचक है कि भाववाचक है। ठीक है, और आज हमारा संज्ञा का ये पूरा चैप्टर जो है वो फिनिश है। दो लेक्चर में पूरा चैप्टर मैंने आपका फिनिश कर दिया है, देख लेना। इसमें आपको कोई भी जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सब यहीं से बन जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन जो है इससे आउट नहीं जाएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, और आज यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं।